हेलो नमस्ते, एस जे आर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजलक्ष्मी साड़ी की सिलाई। कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही डाला है। आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कटिंग का वीडियो देखने के लिए यहाँ एस जे आर्ट्स पे क्लिक कीजिए। आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, ऊपर आपको वीडियो पे क्लिक करना है। आपके सामने सभी वीडियो दिखाई देगी। ये हमारे राजलक्ष्मी साड़ी के कट किए हुए पैटर्न हैं। आज हम इसकी सिलाई करने वाले हैं। पहले अस्तर को इस तरह रखना है। इस जे शेप पे हमें पल्लू रखना है। अच्छी तरह से पल्लू रख के इसकी सिलाई कर देनी है। ये हमने सिलाई कर दी है। हमारा पल्लू अच्छी तरह से जोड़ने के बाद हमने उसी के ऊपर काश्ता रखा है। काश्ते की भी हम सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ का भी काश्ता हमने रख दिया है। काश्ते की सिलाई हम आधा इंच ऊपर काश्ता छोड़ के करेंगे। हमें ऐसी छोटी छोटी चुन्नटे लेकर काश्ते को नीचे तक जोड़ना है। चुन्नटे हमेशा ऊपर की ओर मुड़नी चाहिए। ये हमने दोनों काश्ते जोड़ दिए हैं। इसे इस साइड पे हम सामने वाला छिछक घेर जोड़ देंगे। देखो, सभी साड़ी हमने अच्छी तरह रख दी है। अब हमें देखना है सामने का घेर कैसे जोड़ना है। इस जे आकार को देखो, ऐसे जोड़ना है। हमें पहले कपड़ा छोड़कर इस तरह सिलाई लगानी है, नीचे तक अच्छी तरह सिलाई लगाकर जोड़ देना है। बस ऊपर हमने यहाँ जे आकार पे जो कपड़ा हमारा बचा है, हम इस तरह से सामने का घेर जोड़ेंगे तो अच्छा दिखता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये हमारे सभी पैटर्न बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें ऐसा रख के यहाँ सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। जे शेप पे हमें सिलाई लगानी है। देखो, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। ये हमारी दोनों साइड की सिलाई अच्छी तरह से हो गई है। अब हमें साड़ी को ऐसा पकड़ के
ऐसा रखना है और सभी साड़ी अंदर डालकर ऐसी सिलाई लगानी है। साड़ी सभी अंदर डालकर इस तरह सलवार की सिलाई लगानी है। अब हमें काष्ठा जोड़ना है। देखो, पहले ऐसे दोनों किनार को जोड़ के हम 6 इंच तक सिलाई लगाएंगे। 6 या 7 इंच तक आप सिलाई लगा सकते हैं दोनों किनार जोड़ के। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा काश्ता ऐसा दिखेगा। अब हमें इस तरह छोटी छोटी चुन्नटे बनाकर उसको आधा 1 इंच ऊपर के ओर खींच के हमें इस तरह सिलाई लगानी है। हमने काश्ता 1 इंच ऊपर की ओर खींच के हमने काश्ते की सिलाई लगाई है। अब जो हमने ऊपर की ओर 1 इंच काश्ता छोड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। और सामने वाला जो हमारा जिगजैग घेर है उस घेर को हम बीच से 4 इंच आगे लेकर हमारी सामने की जिगजैग घेर के हम सिलाई करेंगे। सामने का घेर भी
सिलाई हो गया और कास्ता भी सिलाई हो गया। अब हम कमर बेल्ट लगाएंगे। किनार सामने की ओर आएगी, इस तरह हमें कमर बेल्ट लगाना है। हमारी राजलक्ष्मी साड़ी पूरी तरह तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आपने ये वीडियो देखा, धन्यवाद।